आराम से पलाखी मार कर बैठिए। दोनों हाथों को या तो घुटनों पर रखिए या फिर गोद में, जैसे जिसको सुविधा हो वैसा वो रख लीजिए। चश्मा उतार लीजिए जिनके भी पहना हुआ हो। अगर हाथों को गोद में रखेंगे तो और सुविधा रहेगी। अंगुलियों में अंगुलियां फंसा दीजिए, इससे हमारी शक्ति का दायरा बढ़ जाता है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पलकों को कोमलता से बंद कर दीजिए। चेहरे पर मुस्कान लाइए, मुस्कुराइए। अब हम ध्यान के लिए स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। पहले प्रत्याहार के लिए क्रिया योग करेंगे। लंबी श्वास लीजिए, 7 बार ओंकार के उद्घोष आनंद पूर्वक। ओ बंद, जीभ स्थिर, नासिका प्रदेश की ओर ध्यान दीजिए। सो के साथ लंबी श्वास, सो की स्मृति के साथ लंबी श्वास लेने लगिए, हम की स्मृति के साथ लंबी श्वास छोड़ने लगिए। 20 गहरी सांस, फिर 20 छोटी सांस, फिर 20 गहरी सांस, फिर 20 छोटी सांस। सो हम, सो हम। केवल श्वास लेते रहिए, उच्चारण नहीं करना है, केवल श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। सो हम, 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 सो हम।
हम सो 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 हम गहरी सांस लेते रहिए, गहरी सांस छोड़ते रहिए। सो हम 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 छोटी सांस लीजिए, छोटी सांस छोड़िए। सो हम 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 सो हम
सोहम 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 सोहम। गति से सांस लीजिए, गति से सांस छोड़िए, ओवरलैपिंग हो जाए। सोहम 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 सोहम। अंतर मन में ध्यान की धारणा लिए हुए दोनों हाथों को गोद में रख लें। अपनी मानसिक जागरूकता को नासिका प्रदेश की ओर स्थापित करें। आती हुई सहज सांस, जाती हुई सहज सांस का बोधपूर्वक ध्यान करें, ध्यानपूर्वक अनुभव करें। छाती प्रदेश हृदय क्षेत्र की ओर जाती हुई हर सांस का अनुभव करें। मैं अपनी मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ। आती हुई सांस का भी और जाती हुई सांस का भी धैर्यपूर्वक अनुभव करें। सांस में डूबते जाएं,
सांस भीतर आए तो जाने यह भीतर आती हुई सांस है। सांस बाहर जाए तो जाने कि यह बाहर जाती हुई सांस है। भीतर उतरती हुई सांस के साथ हमारी जागरूकता भी भीतर उतरती जाए। भीतर उतरती हुई सांस के साथ हमारी जागरूकता भी भीतर उतरती जाए और हृदय क्षेत्र की ओर, छाती के मध्य क्षेत्र की ओर अपनी जागरूकता कायम करने लगें। बोध रखें कि मैं हृदय की शांति में प्रवेश कर रहा हूँ। हृदय की चेतना में डूब रहा हूँ। हृदय हमारे अस्तित्व का मूल केंद्र है। अपने चित्त को हृदय की ओर बांधने की कोशिश करें। हृदय क्षेत्र में डूबते जाएं। सांसों का सहारा लेकर हृदय क्षेत्र में उतरते जाएं। हृदय की शांति में एक लय हों। धैर्य पूर्वक हृदय में स्थिर होते जाएं। हृदय की शांति में डूबते जाएं, खोते जाएं। शरीर भाव से ऊपर उठकर हृदय क्षेत्र में डूबते जाएं। हृदय अंतरात्मा का केंद्र है। बोध रखें कि मैं अपनी अंतरात्मा में डूब रहा हूँ। अपने आप में अंतर्लीन हो रहा हूँ।
हृदय की शांति हृदय की गुफा में स्थित होते रहें, स्थिरता बनाते रहें। छाती के मध्य क्षेत्र में श्वास का अनुभव हो तो श्वास को जाने, हृदय की शांति का अनुभव हो तो हृदय की शांति को जाने। जैसे ही हृदय में स्थिति बनने लगे, परमात्मा के इष्ट प्रभु के दिव्य स्वरूप को, दिव्य छवि को अपने हृदय में साकार कर लें। और हृदय के मध्य क्षेत्र पर परमात्मा की दिव्य छवि, दिव्य प्रकाश का ध्यान धरें। इष्ट प्रभु की दिव्य छवि का ध्यान धरें और उसमें डूबते जाएं, डूबते जाएं। इष्ट प्रभु के दिव्य प्रकाश का ध्यान धरें। इष्ट प्रभु की दिव्य छवि का ध्यान धरें, उसमें डूबते जाएं, अंतर्लीन होते जाएं। इतने डूब जाएं कि छवि लुप्त हो जाए, केवल प्रकाश 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 साकार होता जाए। धीरे धीरे ध्यान की चेतना को ललाट प्रदेश की ओर, ललाट प्रदेश की ओर केंद्रित करने लगें। और इस आध्यात्मिक केंद्र पर लगातार एक लय होते जाएं। अपनी एकाग्रता बनाने लगें। अपनी मानसिक सचेतनता को ललाट प्रदेश की ओर केंद्रित करते रहें।
अपनी पांचों इंद्रियां और मन छहों को ललाट प्रदेश की ओर केंद्रित करते जाएं, केंद्रित करते जाएं। यहाँ ध्यान धरने से ही हमारा तीसरा नेत्र प्रज्ञा चक्षु के द्वार खुलते हैं, संबोधि के द्वार खुलते हैं। ललाट के भीतरी प्रदेश पर ध्यान धरते रहें, समग्र चेतना को यहाँ केंद्रित होने दें, डूबते जाएं, डूबते जाएं। ललाट प्रदेश पर प्रकाशमय ओम के स्वरूप को स्थापित कर लें, ओम के चित्र को स्थापित कर लें और प्रकाशमय ओम के स्वरूप के ध्यान में डूबते जाएं, डूबते जाएं। ओंकार का ध्यान धरने से अंतराय टूटते हैं, प्रकाश का उदय होता है। ललाट प्रदेश पर स्थिर होकर ओंकार के स्वरूप का ध्यान धरें, अपनी अंतस चेतना में, अंतरात्मा में ओंकार के स्वरूप का ध्यान धरें, डूबते जाएं, लीन होते जाएं। ध्यान की मानसिकता लिए हुए लगातार डूबते जाएं। मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ और आत्मा में ओंकार के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान धर रहा हूँ, डूब रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ। सूक्ष्म प्रकाश का उदय अपने भीतर देख रहा हूँ। प्रभु की कृपा अपार है, तुम प्रभु में डूबते जाओ, प्रभु तुम में साकार होता जाएगा।
ठेठ मस्तिष्क की ऊपरी छोर तक ध्यान की प्रगाढ़ता बनाते जाएं और 3 मिनट तक मस्तक के ठेठ ऊपरी छोर पर अपनी ध्यान की प्रगाढ़ता, ध्यान की सचेतनता केंद्रित करते जाएं। अपने साधारण मन से ऊपर उठकर असाधारण चेतना के मालिक बने और केवल स्वयं के भीतर स्वयं की शांति, स्वयं के भीतर स्वयं की मौन अनुभूति का आनंद लेते रहें। विचार उठ रहे हों तो ओम के साथ श्वासोश्वास लें और अपने भीतर अपनी शांत अनुभूति करते रहें। शरीर मन भाव सबसे ऊपर उठकर केवल स्वयं में स्वयं की शांत मौन अनुभूति करते रहें, अपने में अपना आनंद लेते रहें। यह शरीर एक मंदिर है जिसमें मैं रहता हूँ। शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। शरीर और आत्मा का संयोग ही संसार है। शरीर और आत्मा का विलगाव ही मुक्ति है। शरीर भाव से मुक्त होकर कुछ पल अपने भीतर अपनी अनुभूति करते रहें, आत्म जागृत हों। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। सोहम 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 वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ।
सोहम 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 हंसोहम अखिल विश्व का जो परमात्मा है अखिल विश्व का जो परमात्मा है सभी प्राणियों का वही आत्मा है सभी प्राणियों में वही आत्मा है वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ सोहम 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 जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ सोहम 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 हंसोहम सोहम 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 हंसोहम सोहम 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 हंसोहम अमर आत्मा है मरणशील काया अमर आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ सोहम 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 हंसोहम सोहम 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 शिवोहम सोहम 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 हंसोहम है तारों सितारों में आभास जिसका है तारों सितारों में आभास जिसका है चंदा और सूरज में प्रकाश जिसका है चंदा और सूरज में प्रकाश जिसका वही आ
आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। सोहम 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 हंसोहम, सोहम 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 शिवोहम, सोहम 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 सोहम, सोहम 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 सोहम। अपनी दोनों दृष्टि को छाती के मध्य क्षेत्र की ओर केंद्रित करें और बाहर से भीतर तक 2 मिनट तक धैर्यपूर्वक अपने आत्म प्रदेशों का, अपनी अंतरात्मा का शांत अनुभव करें। हृदय में परमात्मा के स्वरूप का आह्वान करते हुए करबद्ध स्थिति, हाथों की कमल मुद्रा, हृदय का स्पर्श, प्रेम पूरी होठों का स्पर्श, ललाट प्रदेश का स्पर्श, परमात्मा की दिव्य सत्ता को प्रभात की पुष्पांजलि समर्पित। पलकें बंद रखें और हाथों का जोरों से घर्षण करें। नेत्रपटल, आंखों पर हाथों की ऊष्मा का संचार करें, आंखों की मसाज करें, मुखमंडल की मसाज करें, मस्तक की मसाज, हाथों की ऊष्मा मस्तक पर जाने दें, कान गर्दन गला छाती पेट कमर पीठ, बैठक की मसाज, जंघा घुटने, पांव की पिंडलियां, दोनों हाथ कंधे तक, हथेलियों के भीतर बाहर की मसाज, करबद्ध हो मुस्कुराएं।
मुस्कुराएं। भीतर का जितना भी आनंद उद्घाटित हुआ उसे अनुभव करते हुए मुस्कुराएं, मुस्कुराएं, अधिकतम मुस्कुराएं। हौले हौले अपनी पलक खोलें, जहाँ जिस पर भी पहली नज़र गिर चुकी हो प्रभु की मूरत मानते हुए अपने प्रणाम समर्पित करें, और फिर सब साधक भाई बहनों का प्रभु की मूरत मानते हुए अपने अभिवादन समर्पित करें। अंतस के आकाश में चुप बैठा वह कौन, गीत शून्य के गा रहा महागुफा में मौन। बैठा अपनी छाह में चितवन में मुस्कान, नूर बरसता नयन से अनहद अमृत पान। शांत हुई मन की दशा जगा आत्मविश्वास, सारा जग अपना हुआ आँखों भर आकाश। मेरा तेरा भाव क्या जगत एक विस्तार, जीवन का सम्मान हो बाहों भर संसार। परम प्रेम पावन दशा जीवन के दो फूल, बिन इनके यह चेतना जमी रजत पर धूल। दृष्टि भले आकाश में धरती पर हो पाऊं, हर घर में तरुवर फले घर घर में हो छाऊं। मंदिर का घंटा बजे खुले सभी की आँख, दिव्य ज्ञान के शब्द दो मिले पढ़न हर सांझ। शुभ करनी हर दिन करें टले न कल पर काम, सातों दिन भगवान के फिर कैसा आराम। साधु नहीं पर साधुता पा सकता इंसान, पंक बीच पंकज खिले हो अपनी पहचान। कोरा कागज जिंदगी लिख चाहे जो लेख, इंद्रधनुष के रूप सा हो अपना आलेख। ज्योति कलश है जिंदगी सब में सब का राम, भीतर बैठा देवता उसको करो प्रणाम। काया मुरली बांस की भीतर है आकाश, उतरे अंतर शून्य में थिर के उर में रास। मन के काया कल्प से जीवन स्वर्ग समान,
भक्ति से श्रृंगार हो रोम रोम रसगान, मन मंदिर इंसान का मर घट मन शमशान, स्वर्ग नरक भीतर बसे मन निर्बल बलवान, मन की दुविधा गर मिटे तुमिटे जगत जंजाल, महागुहा की चेतना काटे माया जाल, जग जाना पर रह गए खुद से ही अनजान, मिले न बिन भीतर गए भीतर का भगवान, समझ मिली तो मिल गई भवसागर की नाव, बिन समझे चलते रहे भटके दर दर गाँव, मोक्ष सदा संभव रहा मोक्ष मार्ग है ध्यान, भीतर बैठे ब्रह्म को प्रमुदित हो पहचान, समझ सका है कौन भोले वह समझे नहीं जो समझे सो मौन, मनोभाव अंतर दशा समझ सका है कौन, बोले वह समझे नहीं जो समझे सो मौन, सदगुरु बांटे रोशनी दूर करे अंधेर, अंधों को आँखें मिले अनुभव भरी सबेर, प्रज्ञा पुरुष प्रकाश दे अंतर दृष्टि योग, समझ सके जिससे स्वयं मन में कैसा रोग, चित शक्ति की चेतना अंतस का आह्लाद, मुख